तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों से YouTube के कम्युनिटी में यहाँ पर एक पोल रखा था, उसमें पूछा था कि आपको WhatsApp पेमेंट पर वीडियो चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर वोट में पार्टिसिपेट किया और उसमें बोला कि हमको वीडियो चाहिए। तो यहाँ पर जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन मिल जाता है। हालाँकि इस समय WhatsApp पेमेंट का ऑप्शन लगभग लगभग सभी को दे दिया जाएगा, बहुत ऐसे कम यूज़र मिलेंगे जिनके में ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा तो आप वेट करिए, आपके भी WhatsApp में अपडेट आ जाएगा, तो आपको भी अकाउंट यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही थ्री डॉट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको भी पेमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा और आप भी अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। देखिए, आपको WhatsApp उसी नंबर से लॉगिन होना चाहिए, उसी नंबर पर बना होना चाहिए जिस पर आपका बैंक अकाउंट यानी लिंक्ड हो, यानी जिस आपने बैंक में खाता खुलवाया उसमें बैंक में जो भी मोबाइल नंबर आपको ऐड करवाया है उसी मोबाइल नंबर से यहाँ पर WhatsApp बना होना चाहिए, तभी जाके ये WhatsApp पेमेंट वाला जो है यहाँ पर एक काम करेगा और यहाँ पर आसानी से आप बैंक लिंक कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर सेटिंग वाले चलता हूँ और आप प्रोफाइल वाले से क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल नंबर है इसी में लगा हुआ है और जो भी आपका WhatsApp का मोबाइल नंबर होगा सेम डिवाइस में लगा होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ से SMS वगैरह कटता है तो इसी मोबाइल में यहाँ पर आपका भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसी मोबाइल है और मेरा SIM1 में लगा हुआ है और इसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे WhatsApp में भी मेरा यही नंबर है, यानी सेम टू सेम मोबाइल नंबर और सिम कार्ड मोबाइल में लगा होना चाहिए और उसी नंबर से WhatsApp बना होना चाहिए, तब भी जाके आप आसानी से इसका बैंक इसमें बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं WhatsApp पेमेंट में। तो WhatsApp में आने के बाद यहाँ देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा WhatsApp है इसमें आया और इसका आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, उसका पेमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। और जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पर मैं थोड़ा इसका ब्राइटनेस लो कर देता हूँ, तो हम देख सकते हैं इसका एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड पेमेंट मेथड या न्यू पेमेंट। तो आपको ऐड पेमेंट वाले मेथड पर क्लिक करना है और आपको अपसेंट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है यहाँ पर, और उसके बाद से आपको यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है। आप जैसे देख सकते हैं कि कुछ टाइम लोडिंग ले रहा है और जैसे ही आपके सामने आप देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि अब आपका कौन सा बैंक अकाउंट है। तो मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो यहाँ पर मैं सर्च वाले इस ऑप्शन क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा पेटीएम मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा। आप जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक आ गया, ऐसे चूज करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि SMS एंड वेरीफाई। मैं इसीलिए बोला कि आपको उसी नंबर से WhatsApp को लॉगिन करना है आप बनाना चाहो जिस नंबर पे आपका बैंक अकाउंट लिंक हो और वो सिम कार्ड आपके मोबाइल में लगा होना चाहिए। जैसे कि मैं वेरीफाई में भी आप क्लिक करूँगा SMS पे, तो अब मेरा परमिशन मांग रहा है तो मैं इसे अलाउ कर दूंगा। और ये देखा देख पूछ रहा ना SIM1 और SIM2, तो मेरा SIM1 था तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ अभी इस मेरे मोबाइल नंबर से एक यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसमें रिचार्ज नहीं था इसलिए SMS फेल्ड हो जा रहा था। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से अपना बैंक अकाउंट को सर्च कर लेता हूँ और ध्यान रखिएगा आप भी अपने मोबाइल पे यहाँ पर रिचार्ज वगैरह करके रखिएगा और नहीं हो सके तो SMS पैक वगैरह भर लीजिएगा, यहाँ पर तभी SMS वेरीफाई होता है। और मैंने रिचार्ज वगैरह कर दिया, आप देख सकते हैं कि SMS कट चुका है और अभी आपके सामने ये बैंक अकाउंट लिंक होगा, कुछ टाइम लेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बैंक अकाउंट आ गया है, इसमें मैं टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ टाइम लोडिंग ले रहा है, ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा, हालांकि पेटीएम वगैरह में इतना लंबा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कंप्लीट हो गया है सेटअप कंप्लीट, और यहाँ पर डन वाले ऑप्शन में क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट वगैरह में पैसा वगैरह भेजना है तो आपको न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर सेंड UPI ID वगैरह पे कोई सा भी UPI ID, मान लीजिए मैं अपने इस UPI ID पर ट्राई करूँगा पेटीएम के UPI ID पर पैसा भेजने के लिए, तो यहाँ पर मेरा पेटीएम का पूरा यहाँ पर UPI ID लिखना पड़ेगा। उसका वेरीफाई वाला ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा अभी UPI वेरीफाई करेगा ये सही UPI ID है नहीं, और यहाँ पर बैंक का डिटेल वगैरह उसका भी शो हो जाएगा। और इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी नया नया है, जैसे जैसे इसका होल्ड होता जाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है और बोला है कि ये भी पैसा जो है पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाना है। और जैसे यहाँ पर 1 रुपये डालकर मैं सेंड करूँगा आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पे एंटर UPI ID, तो UPI ID मेरा पहले से ही तो है, मैं अपना UPI पिन डाल दूँगा तो यहाँ पर मेरा पैसा चला जाएगा। हालाँकि इस बैंक अकाउंट में पैसा शायद नहीं है तो इसलिए मेरा ये ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फेल्ड, यहाँ पर प्रोसेसिंग उठा लिया क्योंकि मेरे इस बैंक अकाउंट में शायद पैसा नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता दिया हूँ कैसे पैसा वगैरह सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर पेमेंट वाला आपको भी जो UPI ID मिलेगा तो इस तरह सा होगा जोखन एट द रेट, यहाँ पर देख सकते हैं कि यही आपका UPI ID होगा WhatsApp का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा इसका
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ब्राइटनेस हो गया है इसका, इसलिए आपको कुछ दिखाई वगैरह लगता नहीं दे रहा। तो आपको जो भी यहाँ पर पेमेंट मेथड है यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका जो UPI ID होगा व्हाट्सएप का ये होगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका भी ऐसा ही बनेगा जब फर्स्ट टाइम के लिए करेंगे। और यहाँ पर पेमेंट फेल हो चुका है, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था। तो जाइए अब भी अपना यहाँ से पेमेंट वगैरह सेटअप कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से दिखा, पेमेंट वाले ऑप्शन में चलेंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं मेरा ऑलरेडी सब कुछ सेटअप हो गया। पेमेंट करना होगा तो मुझे यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन वाले और उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर सेंड UPI ID QR कोड को भी स्कैन करके यहाँ पर पैसा वगैरह भेज सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग यहाँ पर साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना।